उधर शाहपुर कंडी बैराज प्रोजेक्ट 80% तक मुकम्मल हो चलिया है। सूबा सरकार ने 2023 तक इस शुरू करने का टीचा रखा हुआ। कैबिनेट मंत्री लाल चंद होरां ने ते प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी जानकारी दी है। पूरी खबर तुहानू विखाउंदे हां। शाहपुर कंडी बैराज प्रोजेक्ट जो कि लंबे समय तो बन रहा है पर हुण इस नु पूरा करन दा टीचा मौजूदा आम आदमी पार्टी दी सरकार वल्लों मिथ्या गया है। हुण सरकार वल्लों इस नु जुलाई 2023 तक पूरा कर लिया जावेगा ता जो जिथे बिजली उपलब्ध होवे उथे ही किसानां नु इस राही बनाई नवी नहर तो खेतां लई पानी मिलेगा। इन्ना ही नहीं बैराज प्रोजेक्ट बनन दे नाल पहला रावी दरिया राही जो पानी पाकिस्तान नु जांदा सी हुण ओ पानी लाभदायक होवेगा। इस संबंधी गलबात करदिया कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने कहा कि पंजाब सरकार दी कोशिश है कि लोकां लई बिजली पैदा करन लई शाहपुर कंडी बैराज प्रोजेक्ट शुरू किया जावे जिस नु जुलाई तक मुकम्मल किया जावेगा ता जो लोकां नु बिजली मुहैया करवाई जा सके। जिथे उत्पादन बढ़ेगा उथे ही किसानां नु अपने खेतां लई पानी भी मिलेगा। 1870 करोड़ रुपया जिहड़ा बजट दे अंदर रखा गया है और इहदा बहुत वड्डा लाभ जिहड़ा है वो इस इलाके नु मिलना, उहदे च नहर भी बननी आ, खेती दी जिहड़ी आ सिंचाई भी पानी भी मिलना उहनू, और इस प्रोजेक्ट दे बनन दे नाल जिहड़ा 2023 च कंप्लीट होना मतलब सरकार किन्नी सुहिरद है भी जिहड़ा आ उहनू प्रोजेक्ट नु बनाउण दे लई और जिहदा पंजाब नु इस इलाके नु वड्डा लाभ मिलना। इस दे नाल ही जदों डैम दे प्रशासनिक अधिकारी नाल गलबात कीती तां उन्हां ने कहा कि डैम दा काम जल्द ही पूरा कर लिता जावेगा। ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ 80% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।